डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन या फिर क्या बोलेंगे डेरिवेबिलिटी, ठीक है। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में क्या आता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। क्या होता है, एग्जांपल क्या है उसका, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएस बाय डीटी, यस, डीएक्स बाय डीटी, और एक्सेलरेशन का क्या है, डीवी बाय डीटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक और चीज क्या होती है, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज की अगर बात करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें तो वो क्या होगा, S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस T, ठीक है। और जैसे ये क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या होता है, पहले कितने के भी, ये अगर S1 सपोज करो पुणे पर है और ये बॉम्बे पर है, ऐसा हो सकता है, समझे ना। तो और यहाँ पे क्या होता है, ये चीज जो है वो टाइम जो है वो कम करते जाते हैं, तब इंस्टेंटेनियस चीज नहीं होता है, ठीक है। और फिजिक्स की बात हो गई है तो, ठीक है, फिजिक्स की बात हो गई, मैथ्स में देखते हैं वापस। पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, पॉइंट है, उसके बाद में ये कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ए, ठीक है। तो ये ए कॉमा एफ ए हो गया, ये पॉइंट। Yes. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच पे गए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ जहां जहां ए है वहां पे ए की जगह पे ए प्लस एच, यस, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां से आप इस पॉइंट को मिला है, इसमें तो चलो ये थोड़ा सा सीधा हो गया, सीधा होने की जगह पे ये क्या होती है, स्लोप ऑफ दिस लाइन पी क्यू, स्लोप क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या होगी यहाँ पे एफ ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई टू कितना है, ए प्लस माइनस एफ एच माइनस ए यानी एच, यहाँ पे आप इसको इस तरह से देखोगे, ठीक है, ये ट्रायंगल बनता है, ये लाइन है, ठीक है, ये तो एक्चुअली कर्व है, मैं इसको कर्व के फॉर्म में देखेंगे ज्यादा बेटर है, यस सर। क्या होता है, ये जो एच है ये अभी सी एक कर्व की सीकेंट है, मतलब कर्व कर्व की कॉर्ड है ये, ठीक है, दो पॉइंट को मिला रही है, ठीक है। यस सर, फिर क्या कर रहे हैं अपन, एच को क्या कर रहे हैं, एच टेंड्स टू जीरो, मतलब इस पॉइंट को बहुत पास में ले जाते हैं, इस पॉइंट को बहुत पास में ले जाते हैं, तो एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पी वाई बाय डी एक्स, this is also called f dash f dash f dash of x or f dash of a, a yes. point पर, ठीक है, a point पे rate of change, a point पे tangent की slope, और क्या कहेंगे, slope of, इसको और क्या बोलेंगे, slope
ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है. यस तो इस लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट एट ए, मतलब ए पॉइंट पर ही जब हमने सीकेंट खींची उसका लिमिटिंग केस होता है जब वो क्या होती है टेंजेंट बन जाती है, ठीक है. यस ठीक है. वैसे ही अगर हम बात करें इसके जगह पे अगर आपका एक पॉइंट यहाँ पे होता पीछे की साइड में होता तो वो पॉइंट कैसा होता a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है राइट. यस सर. तो अगर हम वैसे ही बात करें क्या y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये कितना हो जाएगा, चाहे आप कोई भी ले लो, पहले आप a माइनस एच लो, ये वाले को y2 टू एक्स टू लिया, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन नीचे क्या आएगा a माइनस एच माइनस a. क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर. कि आपका माइनस बाहर आ जाएगा, f ऑफ a या फिर माइनस बाहर नहीं आएगा तो नीचे डाल दो एफ अपॉन माइनस एच, ठीक है. यहाँ पे भी जब h टेंड्स टू जीरो डालेंगे लिमिटिंग केस, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इससे अपन इंस्टेंटेनियस पे जा रहे हैं, ठीक है. यस सर. तो दैट विल बी एफ डैश ऑफ ए माइनस बोल दो उसको, क्योंकि ये के लेफ्ट में किया ना अपन नहीं काम. यस ठीक है. एफ डैश ए बोलेंगे लेकिन ऑफ मोर टू बी मोर प्रिसाइज एफ डैश ऑफ माइनस ए किया अपन ने, दैट विल बी लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या होगा बताना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच माइनस एच, ठीक है. एक बार तो इसको बोलते हैं एल एच लेफ्ट हैंड एल एच डी सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. यस डेरिवेटिव, ठीक है. और एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए प्लस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव. उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो, बोलना एक डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच. एक चीज इसमें क्रिटिकल है अगले पेज पे करते हैं तो इसके कारण जो समझते हैं, तो छोटा सा वापस डायग्राम करना है. हाँ चलो ए प्लस एच और ये देखा था. एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज सिमिलर एज एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन क्या रहेगा बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन. एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये क्रिटिकल चीज आ रही है, बताओ क्या रहेगा, लिमिट क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन टेंड्स टू जीरो. एक्स टू माइनस एक्स वन टेंड्स टू जीरो बिल्कुल सही है, या फिर x2 tends to x1, x2 tends to x1. और इसमें खास बात है a पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कौन सा है इसमें, x1 है x2, फिक्स पॉइंट कौन सा है, x1 x1 है, ठीक है. x2 x1 फिक्स पॉइंट है तो यहां पे क्या कर रहा है, x2 x1 की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x1 बोलेंगे, ठीक है. यस सर. ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पर, या फिर क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, या फिर क्या बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स, या फिर क्या बोलेंगे एफ डैश एक्स, या फिर क्या बोलेंगे वाई वन बोलेंगे या वाई डैश बोलेंगे, ये सारी लैंग्वेज एक ही है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन और या एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. तो कई बार क्या होगा ए या एच कई बार जीरो होगा कुछ चीजें, तो भी आपको ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी, देखेंगे आपको क्वेश्चन आएगा था.
ये एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल सही है, एक्स टू टेंड्स टू एक्स वन, एक्स वन है आपका फिक्स पॉइंट, एफ डैश एक्स वन, यस सर। तो क्या होता है कि एक बेसिकली आप डिफरेंशिएशन आगे पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन की तो टेक्निक होती है, लेकिन जब चीजें उससे पहले अपन को पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होगा कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, और आप अगर सीधा डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन करने लग जाओगे जो कि गलत होगा। तो बाद में अगले टॉपिक में ऐसे बहुत सारे फंक्शन आएंगे जो बाय डिफॉल्ट ये दिखने पे ही पता चलता है कि वो डिफरेंशियबल है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन वो देखेंगे कि कब अपने को पता चलना चाहिए कि डिफरेंशियबल है या नहीं है, ठीक है? तो एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब बाद में फॉर्मूले से देखेंगे, अभी अपन डेफिनेशन से देखेंगे, ठीक है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 पे निकालो आप। तो आप सपोज राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला एफ ऑफ एफ डैश ऑफ 1+, तो क्या डेफिनेशन, ये क्या है, इसकी आदत पड़नी चाहिए। तो क्या होगी डेफिनेशन बताना, एफ ऑफ 1 + h - f(1)/h। ठीक है, इसकी आदत पड़नी चाहिए तभी आपका दिमाग बराबर चलेगा इसमें। 1+h क्या हो जाएगा, 1+h का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाइनोमियल करो या एक्सपेंशन करो, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया 2 आ गया, स्लोप 2 आ गया, और पॉइंट कौन सा है, 1,1, तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस 1 2 टाइम्स x माइनस 1, स्लोप 2 आया है ना, 1+2, अच्छा 2 आया, करेक्ट है, ठीक है? ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है। अब डिफरेंशियबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल, एफ इज डिफरेंशियबल, कब होगा डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए माइनस, और ये फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आते हैं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट आ जाए, तो वो फंक्शन है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, डिफरेंशिएबल होगा। कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं, पहला y इज इक्वल टू एल एन एक्स का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू 1, डेफिनेशन से देखते हैं, ठीक है? ग्राफ से भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? 1+ पे अपन देखते हैं आर एच टी, देखते हैं 1+ पे आर एच टी देखते हैं, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1+h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, क्या होगा, एफ ऑफ, चलो लिमिट बाद में लगा देंगे, 1+h एल एन 1+h का मॉड माइनस एल एन वन, एल एन वन इज 0 अपॉन एच, ठीक है? तो एल एन 1+h अपॉन एच के लिए क्या करते हैं अपन, एल एन 1+h इंटू ये डाल देते हैं मॉड एच, यहाँ पे मॉड एच, यहाँ पे मॉड है ना पहले से, ठीक है? और एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला सामान किसके बराबर हो जाएगा, वन ये हो जाएगा 1 के बराबर, मॉड एच अपॉन एच, तो आपका आंसर आ गया मॉड एच अपॉन एच, ठीक है? अब मॉड एच अपॉन एच तो ये आ गया अपने पास, अब अपन आर एच डी एल एच डी की बात करते हैं, तो आर एच डी की जब बात करेंगे तो क्या होगा, आर एच डी की जब बात करेंगे तो मॉड एच क्या हो जाएगा, 0+ और 0-, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, आर एच डी की अभी से आर एच डी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन मेरे जो अपन रेगुलर डेफिनेशन लेते हैं उससे अपन 1+h लिया ना, तो h टेंड्स टू 0+ ही लिया अपन ने,
ठीक है, अब आर एच डी की बात करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, आर एच डी मॉड एच क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, आंसर आपके पास वन आ जाएगा। यस ठीक है, हाँ अपनी जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें अपन वन माइनस एच, एच को हमेशा जीरो प्लस ही रखते हैं। ठीक है, एच को हमेशा जीरो प्लस रखते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। यस लिमिट एच टेंस टू जीरो तो एल एन वन माइनस एच का मॉड माइनस जीरो अपॉन, सॉरी ठीक है, तो ये आप देखोगे इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एच टेंस टू जीरो प्लस है, जीरो अभी जीरो प्लस है तो वन माइनस एच, वन से एल एन वन से कम क्या होता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, तो मॉड चाहिए तो माइनस एल एन वन माइनस एच कर सकते हैं, अभी माइनस एच पहले से, क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर आप ये माइनस वन आपको वन प्लस एक्स अपॉन एक्स करना है, तो इस पूरे को ले लो वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स टेंस टू जीरो, तो आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस वन एक्स, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच टी नॉट इक्वल टू आर एच टी। ठीक है, एल एच डी कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आ रहा है आपका, यस प्लस वन आ रहा है, फिर ये क्या है, नॉट डिफरेंशियबल। At x is equal to 1. ठीक है, इसी को अगर ग्राफ से देखें मॉड ln x है, तो ln x का ग्राफ कैसा होता है ऐसा। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एक्सट्रीम्स इंक क्या निकल रही है, सेटिंग्स देखने पड़े, सॉरी ln x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो मॉड ln x का कैसा होता है, ये नेगेटिव वाला आइटम। ठीक है, यस, तो ये एल एन एक्स इक्वल टू वन पर ये क्या हो गया, शार्प कॉर्नर आ गया, तो शार्प कॉर्नर से भी आप देखते हो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, यस, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एल एन स्क्वायर एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू वन पर बात करते हैं, आर एच टी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ वन प्लस, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, लिमिट लगा देंगे वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एल एन वन दैट इज जीरो अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अपन इसके लिए क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फैमिली मिल गई इसको पूरा का स्क्वायर इनटू एच, तो ये क्या आ गया, h टेंस टू जीरो है ना, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो फाइनाइट वैल्यू इनटू जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। अब LHD की बात करें, f डैश ऑफ वन माइनस, तो ln वन माइनस h का होल स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन माइनस h। ठीक है, यस, तो अपन क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी फाइनाइट वैल्यू इनटू जीरो आएगा, यस, तो जीरो आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एल एन एक्स जो था मॉड एल एन एक्स था वो एल नहीं था डिफरेंशियबल, या एक्स इक्वल टू वन पर क्या है, ये डिफरेंशियबल आ गया, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो डिफरेंशियबल है, यस, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन। चला आगे, यस सर, ई पावर मॉड एक्स देखते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो,
जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, मतलब ये काम आएगा काफी बग जगह पे, तब आपको समझ आएगा इतना क्यों कर रहा है बेसिक में। तो ई पावर माइनस मॉड एच माइनस जीरो, ई पावर जीरो इज कितना वन अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ही लेते हैं अपन हमेशा, ठीक है, जीरो प्लस ले रहे हैं तो क्या होगा, ई पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन एच, तो जीरो प्लस लिया ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं माइनस वन से और माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई पावर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा, वेयर थीटा टेंस टू जीरो, चलेगा? यस, तो ये कितना हो गया, माइनस वन आ गया आंसर। हाँ, ये कितना होता है, ये लिमिट कितनी होती है, वन होती ना? हाँ वन होती है, यस माइनस वन आ गया। एफ डैश ऑफ जीरो माइनस जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ई की पावर माइनस मॉड एच माइनस एफ ऑफ जीरो इज अगेन वन अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू जीरो प्लस है तो आप क्या करोगे, माइनस एच की जगह पे वो कभी रह जाए, ठीक है, एच टेंस टू जीरो प्लस है ना, पता ना आपको, मॉड एच क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड एच क्या हो जाएगा, एच ही रह जाए, यस, अपॉन माइनस एच। यहाँ पे भी क्या किया अपन ने, यहाँ पे तो डायरेक्टली ये वन हो गया, e पॉवर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा ये वन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो क्या है रिजल्ट इसका, नॉट डिफरेंशियबल, यस एट एक्स इक्वल टू जीरो। फिर अपने पास चीज आएंगी कि आपको चेक करना होगा पूरे इंटरवल में, यहां से यहां गया कहां पे डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी की डिस्कस करो, ऐसा होगा इस गिवन इंटरवल में इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करो, तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट पे पॉसिबल है डिफरेंशियबल नहीं होगा। यस, फंक्शन दिया हुआ आपके पास साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, find tangent and normal at x is equal to 0 if exist, find tangent and normal at x is equal to 0 if exist, तो पहले तो if exist का सवाल आ गया, if exist का सवाल आ गया मतलब RHD और LHD निकालते हैं, yes, ठीक है, RST पहले देखते हैं, RST is f dash of 0 plus 0 upon h, एक बार f of 0 1 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ और इसलिए अपन ये डेफिनेशन लिखते हैं, f of 0 हमेशा 0 होगा ऐसा नहीं है, तो ये तो अभी 0 हो गया, तो sin h square upon h minus 0 upon h, तो एच स्क्वायर हो गया, ये लिमिट क्या आ गई अपनी, वन आ गई, यस सर, एल एच डी क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच जीरो अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच का लगभग साइन ऑफ एच स्क्वायर तो हो गया अपॉन माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, क्या माइनस माइनस वापस कट गया, आंसर क्या आ गया, बना गया, ठीक है, लिमिट लगाने की बात है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेंजेंट एग्जिस्ट करती है डिफरेंस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट कितना हो गया एक्स इक्वल टू जीरो का, बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी है, वन, एक्स इक्वल टू जीरो का वन दिया हुआ ना, ये देखिए क्या जीरो जीरो है, तो पॉइंट क्या है जीरो जीरो, स्लोप कितनी है वन, क्या होगी वाई इज इक्वल वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन,
एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, किसकी इक्वेशन हो गई है, टेंजेंट, टेंजेंट ठीक है। और इसी पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, जीरो जीरो से पास होता है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, यस सर। अभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन की बात करते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बस ठीक है, नहीं ठीक है। तो ये बोला कि अगर कोई इफ फंक्शन इज, इफ एफ इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इसका इम्प्लीकेशन है कि वो कंटिन्यूस तो है, ये प्रूव करना है, मतलब अपन को गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है और उसको प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है, फिर मतलब ये थ्योरम, मतलब थ्योरम क्या, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ठीक है। यस प्रूफ ऐसे है कि आपने ये एक्सप्रेशन लिया, लिमिट एक्सटेंड एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियबल है इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियबल है इसका मतलब होता है कि एक कोई सर्टेन पॉइंट पर एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, वेयर एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये एफ डैश ए है, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये गिवन है, ठीक है। मतलब जब बोला ना फंक्शन डिफरेंशियबल है, इसका मतलब किसी पॉइंट ए के लिए जो इंटरवल में है, उसके डोमेन में है, उस पॉइंट पर ये चीज डिफाइन है, समझे आप बात को, यस सर। इसको लेते हुए अपन ने इस चीज को दिया, अब अपन ने क्या किया, ये वाली चीज दी हुई ना आपको, तो अब अपन ने क्या किया, एच से मल्टीप्लाई किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच अपॉन एफ ए अपॉन एच इंटू एच, ठीक है, ये कर दिया, ये क्यों किया, इससे क्या इसका माहौल बन जाएगा, ठीक है, दोनों पे लिमिट लगा रहे हैं, तो ये एक लिमिट यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी, ये वाली, यस सर, फाइनाइट वैल्यू इनटू इनटू जीरो इनटू जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, जीरो, जब लिमिट लगा रहे हैं ए प्लस एच पे लगा रहे हैं, एफ ए तो कॉन्स्टेंट एक नंबर है, क्या आप लोग कंफर्टेबल, यस, मतलब लिमिट लगाओ एच टेंस टू जीरो, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए आ गया, यस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो अपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और उसके आजू अन बाजू वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना, एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ए माइनस एच लो, ए प्लस एच लो, कैसे भी चलेगा, ए माइनस एच लो तो भी यही आएगा, आपको एक और स्टेप लगना है ए माइनस एच के लिए तो भी यही आएगा, यस सर, जीरो आएगा ना उससे, कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस तो हो गई होगा, ठीक है, आपको चाहिए तो बोले वो राइट हैंड वाला भी ले लो, एफ टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच था ना, ये ए प्लस एच है ना, ए माइनस एच मतलब ए पॉइंट, सर्टेन पॉइंट ए पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही, yes. या लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ रही, ऐसे बोल दो, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस होगा, इसकी सहायता से प्रूव किया, इस एक्सप्रेशन की सहायता से, डिफरेंशियबल है तो ये चीज फाइनाइट होगी, yes. अब तो सोची जाती है कि अगर कंटिन्यूस है, अगर इफ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो क्या इसका मतलब है डिफरेंशियबल होगा ही होगा,
कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन कांट से या डिफरेंशियबल हो गई होगा नहीं कह सकते। एग्जांपल लेते हैं अपन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ले लो या 1 पे ले लो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन एफ डैश वन प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ गया। आंसर यस लिमिट लगाने के बाद में आंसर 2 आ गया। yes. एफ ऑफ 1 माइनस करेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस करेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, क्या आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यों, क्योंकि फंक्शन वो है, ठीक है, अपॉन माइनस एच, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबल है, ठीक है, 0 पे भी चेक कर सकते हैं। तो मॉड एक्स की बात देखते हैं, मॉड एक्स को देखते हैं वहां पे एफ डैश ऑफ 0 प्लस जीरो प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, दैट इज, तो ये क्या आ जाएगा मॉड एच माइनस 0 अपॉन एच, तो 0 प्लस पे है तो क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन यस एच, एफ डैश ऑफ 0 माइनस 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ जाएगा। यस ठीक है, तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल। ठीक, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर अगर इस मॉड एक्स का तो फेमस है, बचपन से आपने पढ़ा है ग्राफ कैसे होता है। स्लोप में एक्स इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में स्लोप राइट में स्लोप अचानक से चेंज होती है, इस कारण यस से ये शार्प कॉर्नर है यहाँ पे, इस कारण से यस डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये तीसरी चीज डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है अगर तो नॉन डिफरेंशियबल होगा या डिफरेंशियबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई ग्राफ ऐसा है यहां तक आया है, इस पॉइंट पे होलो वैल्यू फील्ड वैल्यू है, इसी पॉइंट पे ये एकदम से जंप मार जाता है, मतलब तो यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 4, अगर अपने को एफ डैश ऑफ 2 निकालना है, ये पॉइंट 2 है ना, जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 2, एफ डैश ऑफ 2 प्लस निकालते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, 2 प्लस एच की वैल्यू क्या आ रही है एकदम से बढ़ जा रही है, 2 प्लस एच की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस एफ ऑफ 2 विच इज 2 अपॉन एच। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1/0 आ रहा है, इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट तो तब निकाल सकते हैं जब 0/0 फॉर्म हो, और एफ डैश ऑफ 2 माइनस की बात करें तो 2 माइनस इस वो चलेगा, टू माइनस एच इज 2 ना, एफ ऑफ 2 2 माइनस एच 2 के आसपास है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इस कारण से, मतलब इसके कारण से राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है, इन्फाइनेट हो रहा है, इस कारण से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल हो रहा है।
यस राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब नॉट डिफरेंशियल। यस तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नॉट डिफरेंट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यस आगे यस नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या कह रहे हो? कांट से, अरे कांट से कैसे, अगर कांट से हुआ क्या? नॉट डिफरेंशियल, हाँ कंटिन्यूअस कांट से, सही है, कांट से, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ कांट से। अच्छा गुड, आपने दिमाग लगाया, इस फ्लो में नहीं गए। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन, वाई लिखता हूँ और यहाँ पे वाई डैश या एफ डैश एक्स लिखता हूँ। ठीक है, कॉस एक्स, ए पावर एक्स का क्या होता है? ए रेज़ टू एक्स एलन ए ए पावर एक्स का, ई पावर एक्स एलन एक्स का वन बाय एक्स, वन बाय एक्स, एक्स पावर एन का एक्स रेज़ टू एन माइनस एन इनटू एक्स रेज़ टू एन माइनस एन एक्स का सेक्स पर एक्स। तो यस ये तो बेसिक हुए, और भी निकालने का तरीका क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है अपने को, निकालने का तरीका वही है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, यस सर, एक देख लेते हैं, बाकी सब आप डिराइव करना, अपन लास्ट ईयर किए हैं सब डिराइव। ठीक है, सब डिराइव मतलब फिर अपन इनवर्स का एक एग्जांपल देखेंगे जो टफ वाला इनवर्स का है। ठीक है, तो क्या साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस डी अपॉन टू इनटू कॉस सी प्लस डी अप सी प्लस डी अपॉन, बिल्कुल सही, कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी एक्स प्लस, ठीक है एच, तो ये एच बाय टू और ये पूरा समान समाप्त हो गया, वन हो गया, ये आंसर क्या आ गया लिमिट डालते ही? कॉस लिमिट डालते ही आंसर क्या आ गया? कॉस एक्स आ गया। इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालते हो। और एक टफ एग्जांपल है दैट इज वाई इज इक्वल, वो नहीं वो देख लेते हैं, सेकंड वर्ड एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्या होता है? इनवर्स के क्या होता है? तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स x लिखा, तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू sec y। ठीक है, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा y बिलोंग्स टू क्या एंगल है, जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू, 0 टू पाई बाय 2 sec 0 cos 0 होगा ना, ये पाई बाय 2 टू पाई, cos की cos इनवर्स x, cos इनवर्स x और sec इनवर्स x एक जैसे ही होगा ना? यस सर, y will belong to y belongs to 0 to pi by 2। अगर आप उसको देखो किसको देखो, cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना? यस सर। तो sec x का ग्राफ कैसा होता है? x
कैसा होता है, जीरो से पाई बाय टू। आप देख रहे हो कि ये कितना होता है प्लस वन, ये कितना होता है माइनस वन, माइनस वन। तो ये जो वैल्यू होती है वन से ऊपर रहती है और ये माइनस वन से नीचे रहती है। यस सर। तो ठीक है, अब क्या होता है x इज इक्वल टू सेक्वा आ गया, तो जैसे x में चेंज होगा तो सेम x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y। ठीक है, अब इसको लेफ्ट राइट, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस सेक y अपॉन डेल्टा y। यहाँ पे डेल्टा x जगह पे डेल्टा y में चेंज करते हैं, एक ही बात है, x में चेंज होता है y में चेंज होता है, y में चेंज होता है x में चेंज होता है, इस बार विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। Yes, तो दैट विल बी डेल्टा x बाय डेल्टा y। यहाँ तक ठीक है, जो अपन करते हुए आए हैं प्लस माइनस करके, मतलब एक प्लस y किया फिर आपने माइनस किया दोनों को, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब आपके पास लिमिट डेल्टा y टेंस टू जीरो, sec of y प्लस डेल्टा y माइनस sec y। अब आपको अगर ध्यान है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन, ये sec x का डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अपन ने किया था sec y tan y हो जाएगा, राइट, ये डेफिनेशन है ना उसकी। यस सर। ठीक है, अगर आपको याद है तो, नहीं तो फिर इसको भी निकालो, इसको निकालने का अलग स्टेप हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dx by dy। ठीक है, लिमिट लिया है मैंने, लिमिट नहीं लिखा आपके लिए, आपको आता है इसलिए ऑलरेडी। ठीक है, समझे ना बात को, यहाँ पे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास dy by dx क्या आ गया, वन अपॉन sec y टेन y आ गया। ठीक है, तो जब आपका sec, अब y देखो जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, तो x क्या रहेगा बताओ। हाँ मतलब ये sec y की वैल्यू देखो, अब x क्या रहेगा, वन टू इंफिनिटी। बिल्कुल सही, और पाई बाय टू से पाई के बीच में है तो माइनस वन, क्या बात है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ना। हाँ यस सर। तो सेक वाई टेन को लिख सकते हैं आप, क्योंकि अपने पास इसकी वैल्यू है, इसलिए सेक स्क्वायर वाई माइनस वन। यस अंडर रूट, लेकिन ये टेन वाई जो है वो नेगेटिव होगा, अगर ये देखो एक्स ग्रेटर देन वन है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, तो सेक वाई क्या हो जाएगा, सेक वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि माइनस एक्स होगा, प्लस एक्स होगा। और टेन वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन एक्स पर एक्स माइनस वन। ठीक है, लेकिन अगर टेन पाई बाय टू से पाई बाय पाई के बीच में है, ठीक है, पाई बाय टू से टेन वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, और sec x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। इस कारण से क्या होता है, ये माइनस, एक माइनस और ये दूसरा माइनस को हटाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, इसका आंसर में क्या लिखते हैं बताओ, वन अपॉन मॉड ऑफ x इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस। यस सर। तो अपन ने क्या किया, sec sec x का तो आप उससे निकाल दोगे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से sec इनवर्स x का निकाला, तो जितने भी इनवर्स फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन है, इस तरीके से आप निकालोगे, उसमें dx by dy है। ठीक है, sec यस फंक्शन को ITF को डिफाइन करना है, उसकी डोमेन को देखना है उस तरह से, फिर आगे चलना है। ठीक है, यस सर। तो सारे आपको ट्राई करना है, फिर इंपॉर्टेंट वाला है प्लीज। ठीक है, फिर एक पूछ रहा हूँ आपको, जस्ट टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है बताओ, नहीं आया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर,
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट ठीक है। और तो वापस एक बार क्या होती है डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वही चीज है जो अपन कर रहे हैं ना, एफ ऑफ ए प्लस एच वही है। ये क्या होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या होगा था एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये सब सारी चीजें कोरिलेटेड, आप समझ रहे हो, लैंग्वेज सब में अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, लेकिन सब चीजें वही है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन करते हैं ठीक है। आगे चले, यस सर। अब आता है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन के रूल आते हैं, प्रोडक्ट रूल। दूसरा क्या है क्वोशेंट रूल, और तीसरा चेन रूल। क्वोशेंट रूल और तीसरा चेन रूल। प्रोडक्ट रूल में एफ और जी दो फंक्शन है, आंसर क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन का, ये फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन है, क्या आंसर आता है, जी इंटू एफ डैश एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। हाँ मतलब यस, पहला ऐसा कैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसा कैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा पहले का डिफरेंशिएशन, कैसे भी बोला एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, ये आंसर आता है ठीक है। तो अपन ने एक फंक्शन माना एच एक्स ठीक है, ये एच एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी का एच एक्स फंक्शन रिजल्ट है ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, एच एक्स नहीं मानते, एफ जी का करना है ना। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इंटू जी ऑफ अपॉन एच, ये डेफिनेशन हो जाएगा एच टेंस टू जीरो ठीक है। यस सर, आपको क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट का डेफिनेशन निकालना है ठीक है। तो अभी आंसर आपको पता है एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, तो अपने को क्या करना है जी डैश क्रिएट करना है। तो अपन सोचते हैं यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी डैश क्रिएट कर देते हैं, कैसे क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये जो कार्यक्रम किया है माइन इसको एड कर लू उसी सामान को जो एक्स्ट्रा ले लिया है, यस सर, इससे क्या होगा जी डैश, ये जी डैश क्रिएट हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ए माइनस एफ ए जो पहले से है इंटू जी ए जो पहले से है ठीक है ना। यस सर, ये तो एच तो पूरा ही है निपटा के, पूरा ही सब पे नीचे ये कि अपन एफ ऑफ ए प्लस एच g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ए अपॉन एच, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया जी ए कॉमन आ गया, इधर क्या बचा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब लगाइए लिमिट, तो लिमिट लगाने पे ये वाला सामान क्या हो गया जी डैश ऑफ a इंटू एफ ए प्लस जी ए इंटू एफ डैश ऑफ ठीक है। इसकी जगह पे x लिखोगे तो भी चलेगा, तो मैं x प्लस h लिखोगे तो भी चलेगा, पर f और g के बारे में बताया गया कि वो क्या है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है ठीक है, तब ये निकाल रहे हैं ना अपन। तो f ऑफ a प्लस एच क्या होगा f a के बराबर होगा, ये f ऑफ a प्लस एच मैंने f a लिखा है, क्या मानते हुए लिखा है कि कंटिन्यूस है ना वो फंक्शन लिखा हुआ है, उन्हीं की बात कर रहे हैं समझे बात को, f and g are continuous and differentiable, f and g are continuous and differentiable both, ये गिवन है तब निकाल रहे ठीक है। यस सर, चलो क्वोशेंट रूल की बात करते हैं, क्या होता है क्वोशेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्वोशेंट रूल, एफ बाय जी बोलू या फर्स्ट बाय सेकंड बोलू रिजल्ट क्या आता है बताओ,
सेकंड इनटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, बिल्कुल सही, जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश, या फिर आप बोलोगे सेकंड का स्क्वायर, मैं नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसा का ऐसा, नीचे सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ आया? यस सर, क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ है f of a plus h upon g of a plus h, ठीक है निकालते हैं, माइनस एफ ए अपॉन जी ए कंप्लीट डिवाइड बाय एच, ये रहेगा ना? यस सर, जहां 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 एक्स है या ए है वहां पे ए प्लस एच रखो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, तो अभी इस तरह इसको डिराइव करके देखते हैं, लटक गया तो बाद में करेंगे, पर लटकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करेंगे, जी ए प्लस एच इंटू एच एफ ए प्लस एच इंटू जी ए माइनस एफ ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच, और बेसिकली हम लोग को क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, जी एफ डैश क्रिएट करना है, एफ डैश क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या लाना है इसके साथ में, नीचे वाले के बाद में देखेंगे, एफ डैश क्रिएट करने का तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो केवल ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखते हैं, एफ ए प्लस एच इंटू जी ए गिवन है, माइनस अपने को लाना है एफ ए लाना है, ठीक है, एफ ए लाना है तो जी ए तो साथ में फ्री आएगा, एफ ए जी ए प्लस एफ ए जी ए हो जाएगा जो मिला है उसके लिए, ठीक है, तो क्या लाना था, एफ डैश लाना था, ठीक है, ठीक है ना, एफ डैश लाने के लिए ये बनाया अपन ने, एफ डैश लाना था, और फिर आगे क्या लाना है, जी डैश लाना है, तो जी डैश लाना है इसमें लाना है ना, जी डैश माइनस, चलो मान लो बाहर रख दिया, एफ ए जी ऑफ ए प्लस एच माइनस माइनस क्या, माइनस जी ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस वही एफ ए जी ए, ठीक है, तो आप देखो कि एफ ए जी ए तो एफ ए जी ए तो ऐसे ही कट गया, यस सर, और ये एच को अपन ने जो नीचे है उनको दे दिया, गिफ्ट जा चाहिए था वहां पे, तो जी ए कॉमन आ गया, अब आप प्लस माहौल बना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच माइनस यहाँ पे एफ ए बाहर आ गया, जी ऑफ ए प्लस सॉरी जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए अपॉन एच, ठीक है, और नीचे क्या क्या पड़े थे, जी ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, ठीक है, अब अपने लिमिट एच टेंड टू जीरो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जी ए इंटू एफ डैश, एफ डैश ऑफ ए, ये वाला एक्सप्रेशन, यस, माइनस एफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए अपॉन जी ए का होल स्क्वायर, यस, ये आ गया, ये जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर, यस सर, तो आप इनिशियल इलेवेंथ में याद करते हो, तो डेराइव इस तरह से होता है, बेसिक डेफिनेशन कहाँ क्या चीज यूज हो रही है, सिंपल सी एक चीज हो रही है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, मेरा एच टेंड्स टू जीरो, कितना वैल्यू है इसका, है कि नहीं, एक ही डेफिनेशन यूज हो रही है, क्वेश्चन, तो अपने पास तीसरा है चेन रूल, आ गया अपना आंसर, आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट डैश माइनस फर्स्ट सेकंड डैश, ठीक है, सब याद ही है आपको, चेन रूल देखते हैं, चेन रूल इज एफ ऑफ जी एक्स का देख रहे हैं अपन, ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, पर अपन डिराइव करते हैं एफ ऑफ जी एक्स का, डिराइव करने से क्या होता है कि बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं उनमें हेल्प मिलती है, चेन रूल एफ ऑफ जी एक्स का देखना है, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये
डिफरेंशिएशन इसका एफ ऑफ जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ऑफ ए अपॉन एच अपॉन एच। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे इस तरह से माहौल बनाते हैं। अपन ने देखा था अभी एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे अभी एच टेंस टू जीरो, इस तरह से माहौल बनाना है अपने को, तब अपन कुछ बता पाएंगे इसकी वैल्यू क्या होती है एफ डैश ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स वन। तो यहाँ पे अपन ये जी ऑफ ए प्लस एच है ना, इसकी देखते हुए एफ एक्स टू ये एफ एक्स वन जी ऑफ ए प्लस एच डेरिवेशन कर रहे हैं माइनस जी ए जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो आइटम है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन टेंस टू जीरो, या एक्स टू टेंस टू एक्स वन, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर देगी बताओ? एफ ऑफ जी डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ, पहले एफ डैश आएगा ना, एफ डैश ऑफ अंदर रहेगा जी ऑफ ए, एफ डैश ऑफ जी ऑफ ए। और ये बचा हुआ जो सामान है वो किसके बराबर है? जी डैश ऑफ ए, जी डैश ऑफ ए। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। एग्जाम्पल के लिए क्या कर रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ कौन सा है यहाँ पे बताओ, एफ और जी कौन सा है? एफ का मतलब क्या है साइन एक्स, जी कौन सा है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बढ़ा रहे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। yes, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस सर। तो डिराइव कर लिया अपन ने, चेन रूल को भी डिराइव कर लिया। यहाँ पे ये क्रिटिकल था समझना इसको किस तरह से डिराइव किया, fx2 minus fx1 upon x2 minus x1, x2 minus x1 tends to 0, x2 tends to x1, और x1 है आपका फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। यस सर। क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, क्या होगा डिफरेंस बता? कॉस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू माइनस साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फोर एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स प्लस थ्री। परफेक्ट है, अब आ रहा है नोट आ रहा है। एफ इज सेट टू बी डिफरेंशियबल, सेट टू बी मतलब एक ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल ए और बी में डिफरेंशियबल, एफ इज सेट टू बी डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज सेट टू बी डिफरेंशियबल ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज ऑल पॉइंट्स बिटवीन, इफ इट इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल in on all points, on all points between a and b। ठीक है, समझ में आ गया। अगर a और b में डिफरेंशियबल है तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो a और b के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर अपन डिफरेंशियबल, सब पॉइंट पे डिफरेंशियबल होना चाहिए। अभी क्या चीज है ये ओपन और क्लोज की बात अपन देखेंगे थोड़ा सा एग्जांपल लेके। ठीक है, तो
और दूसरा पॉइंट है नोट टू, एफ इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी कहा जाएगा इफ उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए पहली कंडीशन है सी वन, ए से बी अंदर तो होना ही चाहिए, ए से बी के बीच में सारे पॉइंट के बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सी टू, ए के लेफ्ट में निकालो आप डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ ए प्लस निकालो, देखेंगे समझेंगे इस चीज को क्या ये, ठीक है, एफ डैश ऑफ ए प्लस निकालो मतलब इसमें चलो ग्राफ से शायद समझते हैं, ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, ए ऐसा है बी ऐसा है, ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया, ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में ए और बी को एक्सक्लूड करते हुए सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसको कहा जाएगा कि ओपन इंटरवल ए से बी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अभी क्या होगा कि जब क्लोज इंटरवल की बातें करेंगे तो क्या करेंगे अपन, क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो ए के जस्ट ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट पे निकालेंगे वो तो निकालेंगे, वो होना चाहिए बीच में कोई, जैसे मतलब क्या है कि एक से पांच की जर्नी कर रहे हैं तो दो तीन पे तो चेक करना ही पड़ेगा वगैरह, जैसे जो भी मतलब लग रहा है कि जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है वो पे चेक करना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि अगर ये ओपन क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ए के जस्ट लेफ्ट में और बी के जस्ट नहीं, ए के जस्ट राइट में और बी के जस्ट लेफ्ट में डिफरेंस डेरिवेटिव निकालो, तो एफ डैश ऑफ ए प्लस शुड बी फाइनाइट, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, एफ डैश ऑफ बी माइनस शुड बी फाइनाइट। तो हम बात करेंगे किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा समझेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स देखते हैं अपन, दो से चार के बीच में बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, दो से चार क्लोज की बात करते हैं, ठीक है, फिर एक दूसरी बात कर लेते हैं, चलो इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दो से तीन ओपन की बात कर लेते हैं, तो दो से तीन ओपन की बात करें, दो से तीन ओपन में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, दो से तीन ओपन में कोई प्रॉब्लम है डिफरेंशिएबिलिटी में, नो सर नहीं प्रॉब्लम नहीं। अब दो से चार ओपन में देखते हैं तो आपके थोड़े से पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है, तो अपन क्या क्या करते हैं, कहां कहां पे चेक करेंगे, टू प्लस पे चेक करेंगे, चार माइनस पे चेक करेंगे, और कहां चेक करेंगे, थ्री पे, तीन पे चेक करेंगे, ये तीन पॉइंट आपके पता चल गए। तो क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए, एफ डैश ऑफ टू प्लस फाइनाइट आना चाहिए, एक बात आ गई, एफ डैश ऑफ फोर माइनस फाइनाइट आना चाहिए, और एफ डैश ऑफ थ्री डिफरेंशियल, एफ डैश ऑफ थ्री प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ थ्री माइनस इज इक्वल टू फाइनाइट आना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्या 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 चीजें चेक करेंगे, yes. तो पहले दो प्लस पे चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ टू प्लस, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो इज गिवन एज थ्री, ठीक है, तो आपको निकालना है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, उसके अंदर ब्रैकेट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, उसके अंदर ब्रैकेट है एफ ऑफ एक्स प्लस, वो नेट गया, आवाज आ रही है अभी, यस सर, हाँ ठीक है, चलो लेकिन मैसेज आया कि गया, टू पावर एक्स एफ ऑफ थ्री स्क्वायर एक्स एफ ऑफ एन स्क्वायर एक्स कंप्लीट डिवाइड बाय एन क्यूब एक्स,
एक मिनट ब्रेक लेके वापस देखेंगे, इतनी छोटी सी गलती हो गई। चलो इसके क्वेश्चन करने के बाद लेते हैं ब्रेक, फिर विल स्टार्ट। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो दिया हुआ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो दिया हुआ तीन, और आपके पास एन टेंस टू इन्फिनिट, एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स टू पावर टू स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर एक्स। तो जब आप ये देखो, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या बन रहा है? जीरो बाय जीरो बन रहा है, यस जीरो बाय जीरो बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स ए प्लस एच एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये एफ डैश ऑफ डैश जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो यस लिमिट किसके बराबर आएगी, तीन के बराबर है। ठीक है, तो यस यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको अंदर घुसाते हैं सबके अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट बनाते हैं, एफ एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, किसकी की लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीन तीन के थ्री बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको अंदर घुसाते हैं सबके अंदर घुसाते हैं, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट। ठीक है, फिर एन क्यूब को तो बाहर ही खींच लो, बाद में करेंगे, बाद में एन क्यूब से अपन बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स एक प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ टू स्क्वायर एक्स अपॉन टू स्क्वायर एक्स इंटू टू स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस जिससे क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, उसकी यस लिमिट कितनी आ रही है, तीन के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टू का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे थ्री स्क्वायर एल लिख लेता हूँ मैं, प्लस फोर स्क्वायर एल लिख लेता हूँ, और एन स्क्वायर एल लिख लेता हूँ, और एल की वैल्यू कितनी है, तीन है। क्या आपको कंफर्टेबल यस है? सब में एल कॉमन आ गया, दैट इज तीन बाय एन क्यूब बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे को ये जो लैपटॉप पे देखते हैं ना, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, आंखें बड़ी जलती है, तो नॉर्मल में सोचो तो ज्यादा अच्छा सोचते हो। एन इंटू एन प्लस वन, चलो छोड़ो, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, यस तो यहाँ पे क्या हो गया, एन क्यूब कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगी, दो तो भी बार ले लो, छह बाय छह एक एक आ गई लिमिट। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एन टेंस टू इन्फाइनेट है ना, चलो यस मैं ये ले लिया, एन एन सब बार ले लिया, तो छह भी यस बार है, दो भी बार ले लिया, तो सारे बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो वन के बराबर आ गया। क्या करना था, ये लिमिट निकाल के वन के बराबर आ गई। मॉड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें कभी कभी आ जाती है, बहुत ही बेसिक सामने दिख रहा है लेकिन दिमाग पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। चलो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट 2,3। अब यहाँ पे ये केवल ये चीज दी हुई है, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन का मॉड और एक्स टू माइनस लेस देन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बोलो या मॉड एक्स स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। यस तो इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं, इसको आप लोग जो बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की उस डेफिनेशन में लेके आते हैं। क्या है डेफिनेशन, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन
एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है, ये तोड़ सकते हैं ऐसे तो। यस सर। अब क्या करते हैं, लिमिट एक्स टू माइनस एक्स वन टेंस टू जीरो, या लिमिट एक्स टू टेंस टू एक्स वन, या एक्स टू माइनस एक्स वन टेंस टू जीरो। ठीक है, तो फिर ये लिमिट, लेफ्ट वाली लिमिट किसके बराबर हो जाएगी? एफ डैश ऑफ एक्स वन, एफ डैश ऑफ एक्स वन के बराबर। और राइट साइड जब लिमिट लगाएंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन किसको जाएगा? ये जीरो, तो मॉड ऑफ, ये मॉड रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स वन का मॉड है जीरो या जीरो से छोटा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ डैश इज जीरो, एफ डैश एक्स वन क्या है? जीरो, जीरो है। मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एफ डैश एक्स वो जीरो है, इसका मतलब एफ की क्या बात, एफ बारे में क्या बात बात करेंगे? एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, परफेक्ट। एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है और एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू दी हुई है तीन, तो सारे पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की? वैल्यू थ्री, तीन ही रही। एफ एक्स ऐसा है, तीन रहेगी इसकी वैल्यू। यस सर। दो तीन पे निकाल लिए आपको, तो स्लोप तो जीरो ही है, वाई माइनस तीन, एम एम इज जीरो, एम कितना है जीरो, एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू तीन आ जाएगी। टेंजेंट भी, टेंजेंट भी क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू तीन आ जाएगी। यस सर। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आ जाएगी, फंक्शन भी वही है, टेंजेंट भी वही है, फंक्शन इटसेल्फ इज अ टेंजेंट टू इटसेल्फ। ठीक है, चला। तो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, ये आपको एक्सप्रेशन है, उससे ये एक्सप्रेशन समझना है और ये समझना है कि एफ एक्स टू पे एफ डैश एक्स वन इज, इसकी वैल्यू है ये एफ डैश एक्स वन। यस सर। चल ए एक्स प्लस बी जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ये आपके वहां स्कूल में कहां तक पहुंचा है अभी? सर अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, आगे चला चलता है फास्ट, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, काफी फास्ट चलता है। क्या क्या टॉपिक हो गए एप्लीकेशन डेरिवेटिव से पहले? मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, काफी बेसिक से होता है तो फिर चल जाता है फर्स्ट में। ठीक है, तो एक्स अभी बोला है कि इज डिफरेंशिएबल एट एक्स फॉर ऑल एक्स फाइंड ए एंड बी, इज ये फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स फाइंड ए एंड बी, तो क्या क्या मेथड लगाएंगे डिफरेंशियल चेक करने का? मतलब क्या है आपका एफ ऑफ माइनस वन प्लस और माइनस वन माइनस बराबर होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करो तो उससे कुछ वैल्यू आ जाएगी, वन माइनस वन से छोटे पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए प्लस बी, माइनस वन से बड़े पे क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए चला गया आपके पास, पी आ गया आपका वन, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई आपके पास। यस, कंटिन्यूटी। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, आर एच टी इज इक्वल टू एल एच टी, निकाल देते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एच डी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस, और यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको माइनस वन, इधर तो डाली हुई इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट डाली नहीं, मैंने मतलब जरूरत नहीं,
तो ये क्या हो जाएगी, 2a+1 इज इक्वल टू ए। ए कितना आ गया आपका, माइनस हाफ, माइनस हाफ नहीं, माइनस वन आ गया, ये माइनस वन आ गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस तो हो गई होगा, तो दो कंडीशन लगानी पड़ती है आपको, कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चले आगे, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, वन दिया हुआ है जब एक्स लेस देन जीरो है, जब एक्स 0 से π/2 के बीच में है, 0 पे क्लोज, ओपन π/2, 1+mod sin x। आज इस क्लास के नोट्स वो भी भेजूंगा, प्रिंटेड नोट्स जो है वो आपको, 2+x-π/2, इसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी क्या, यही चीज है, π/2 से लेके इनफिनिट। एफ डिफाइन, डिफाइन है आपका, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, बस बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। तो कहाँ कहाँ पे चेक लग रहा है कि चेक करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, 0 एंड π/2। 0 एंड π/2, बिल्कुल सही। तो पहले क्या कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूस 0 पे वैल्यू कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस कंटिन्यूस ही चेक करते हैं, 0 पे कंटिन्यूस है और π/2 पे कंटिन्यूस, 1+π/2, π/2, यस सर, और ये 0 π/2 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, f'(0, -) की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता, सीधे सीधे दिख रहा है क्या हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगी, 1 की। 0 प्लस पे चेक करना है, तो 0 से π/2 के जो मॉड साइन एक्स कैसे बिहेव करेगा, साइन एक्स के दरों, साइन एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो 1+sin x ही लिखा हुआ है। यस ये सर, तो f'(0+) देखना है आपको, हाँ मतलब अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि साइन एक्स आपको कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंसिबल फंक्शन है, तो आपको RHT के लिए वाले मेथड से 0+ पे आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो 0+ पे क्या होगा, 1+sin x का क्या होगा, cos x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यस सर, तो डिफरेंशिएशन से किया मैंने, ठीक है, यस सर, मेथड से भी कर सकते हो, राइट एंड डेरिवेटिव से। 0+ पे 1+sin x बिहेवियर करेगा, cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन x=0 पे 1 आ जाएगा, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यस सर, ठीक है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और क्या, π/2, तो π/2 f'(π/2-) देखते हैं, π/2 से छोटा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, π/2- का 1+sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और cos π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आपके यहाँ यस कंफर्टेबल है, f'(π/2+) पे देखते हैं, π/2+ पे ये आएगा। ठीक है, तो आप मतलब डेफिनेशन यूज करो या डायरेक्ट यूज करो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो π/2 पे क्या हो जाएगा, π/2-3 x - π/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, π/2+, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो π/2 पे क्या आ गया, कंटिन्यूअस क्या आ गया, π/2 को कंटिन्यूस से पहले से आ गया ना, डिफरेंशिएबल डिफरेंस आ गया। ठीक है, π/2 पे डिफरेंशिएबल आ गया।